अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी बहुत आसान है, जो कि सबको आती होगी, लेकिन कुछ टिप्स हैं जो मैं शेयर करूंगी। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पकौड़े। इसके लिए मैंने हाफ कप जो है वो बेसन लिया, क्योंकि मुझे थोड़े से ही पकौड़े बनाने हैं, तो मैं उतना ही आपको बता रही हूँ। एक से दो आलू उसमें आराम से आप फ्राई कर सकते हैं कोट करके, ठीक है। तो इसमें मैंने जो है ये हाफ कप बेसन लिया है, 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें चावल का आटा डाला है। साथ ही साथ हम इसमें 2 पिंच हमने नमक ले लेना है, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून हमें जो है कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है, 1 पिंच या 2 पिंच जो है वो आपने इसमें अजवाइन डालनी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 2 पिंच हमने जो है हल्दी ली है, यानी कि चुटकी, 2 चुटकी हमने काली मिर्च ली है, ठीक है जी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे, और थोड़ी सी बस 1 चुटकी हमने मीठा सोडा भी लिया है, ठीक है। इससे अच्छा ज़रा अच्छे बनते हैं पकौड़े, फूल जाते हैं और अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। टोटल इंग्रेडिएंट्स बहुत आसान है, बहुत ईजी है। बस जो है ये चावल के आटे से जो है ना बहुत अच्छा और क्रिस्पी जो है ना, इससे बहुत अच्छे बनते हैं क्रिस्पी। बाकी जो है आगे मैं कुछ टिप्स और शेयर करूँगी, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह जी। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इसमें ग्रेजुअली पानी ऐड करना है, ठीक है ना, एक साथ नहीं ऐड कर देना। और हमें इसको ज़रा नॉर्मल इसका जो है बैटर रखना, ना कि बहुत गाढ़ा हो ना ही बहुत पतला हो। तो आपने इसमें ग्रेजुअली जो है पानी ऐड करना है। और मैं देखिए, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी, और एंड में ना थोड़ा सा पानी डालकर इसको फ्रिज में रख देंगे, ठीक है ना। यानी कि इतना पानी कि बस वो सोक रहे इसमें, ठीक है। और थोड़ा सा पेपरिका पाउडर मैंने इसमें डाला, क्योंकि कुछ लोग जो है वो ज़रदा रंग डालते हैं कलर के लिए, तो मुझे वो कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पेपरिका से आप ये कि आपके जो है बेसन का रंग थोड़ा सा ना अच्छा खिला खिला हो जाता है, पकौड़े भी बड़े खिले खिले से बनते हैं। तो ये भी मैंने समझ लिया, 2 चुटकी ही हार्डली डाली होंगी इसमें। ये ऑप्शनल है, आप ना भी डालना चाहें तो चलेगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो फिर ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब मैंने इसको सूख करके फ्रिज में रख दिया था। जब आप 2-3 घंटे के लिए इसको बनाकर सुबह भी बना के रख सकते हैं, और फ्रिज में रख देंगे ठंडा, और उस पर फ्राई करने से पहले आपने निकालना है। और ये मैंने आलू को इस तरह से इस शेप में कट कर लिया है, और आपने बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं करने, नॉर्मल आपने कट करना है इसको। और ये हम इसको सूख कर देंगे ताकि काले ना हो। फिर जो है मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया था, जो थोड़े से पानी में सूख था उसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। और इसमें कोई लम्स नहीं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसको भिगो के रख दिया था, और ठंडा होता है तो फिर बहुत अच्छे क्रिस्पी जो है पकौड़े बनते हैं। ये मेरा ऑयल गर्म है, क्योंकि मैं हमेशा फ्राई करने से पहले ना आधे घंटे पहले मैं अपना ऑयल हल्की आंच पे गर्म कर देती हूँ, और जब फ्राई करना शुरू करती हूँ तो उसको मीडियम आंच कर देती हूँ। ये टिप बहुत ज़रूरी है, हमेशा जो है ना अपना आप चूल्हा आधे घंटे पहले चला दें हल्की आँच पर। जब आपका ऑयल पहले से गर्म होता है ना, तो आपकी चीज़ बहुत अच्छी फ्राई होती है। तो जी, हमने इसको अच्छी तरह कोट करना है। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि हमारे आलू जो है वो सही से कोट नहीं होते। आपने अच्छी तरह इसको, जब आपका बैटर प्रॉपर बना हुआ होगा ना, तो आपके देखिए मेरे पकौड़े पूरी तरह से मैंने इसकी कोटिंग कर ली है, और हमने इसको तेल में डाल दिया। तेल मेरा मतलब नॉर्मल इतना गर्म था, फिर उसके बाद मैंने जब उसकी आँच मीडियम की है, तो मतलब बहुत अच्छे से उसमें प्रॉपर तरीके से फ्राई हो जाते हैं। अब आप ये देखिए मैं इसको किस तरह कोट कर रही हूँ। ये कोटिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है, आगे पीछे से प्रॉपर होगी, तो कहीं से भी आपका पकौड़ा खाली खाली नहीं होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अब ये देख रहे हैं आप जी, अब आगे आप ये लुक देख सकते हैं। जब थोड़ी सी हमने मीडियम आंच की, तो प्रॉपर तरीके से ऑयल और हीट अप हो गया, और ये हमारे पकौड़े देखें इसमें फ्राई हो रहे हैं। आपने आंच को बिल्कुल मीडियम रखना है, बहुत तेज़ नहीं करना, वो एकदम से जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रहते हैं, और ऊपर से सिर्फ जो बेसन है वो आपका क्रिस्पी और अजीब सा हो जाता है। और जी, आपने फिर तरीके से इसकी साइड पलट दी। आप देखिए पलटने में अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कि कितनी क्रिस्पी लग रहे हैं। और सबसे बेस्ट टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ, वो ये कि जब आप पकौड़े फ्राई करके उसको उतारें, तो उसके पहले आपने उसको अच्छी तरह से उसका ऑयल निकाल लेना है। आपके पास जो स्ट्रेनर होता है, उसमें आपने अच्छी तरह थोड़ी देर रखना है और तरीके से निकालना है। और आपने जब उसको डिश आउट करना है ना, तो एक के ऊपर एक पकौड़ा नहीं डालना है, उससे क्या होता है बहुत सौगी हो जाता है, सारा ऑयल एक के ऊपर आ जाता है। खुले खुले तरीके से रखें। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको इस तरह से स्ट्रेनर की मदद से निकाल रही हूँ, और आपने थोड़ी देर इसको पकड़ के रखना है, अच्छे से जो है वो उसका ऑयल निकल जाए, ताकि आपके जब ऑयल प्रॉपर निकल जाता है और हम उसको तरीके से डिश आउट करते हैं खुले खुले तरीके से, तो हमारे पकौड़े कभी भी जो है ना सौकी नहीं होते। ये आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और मज़ेदार पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।